नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। भाई अगर पढ़ लिख कर बड़ा हो जाए ना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। विद्या, ओ विद्या, देख अपने भाई की करतूत, इसने क्या किया? अरे तू सुनी क्या? ये स्कूल जाता ही कब है, घर से निकलते ही मारपीट शुरू कर देता है। ए, छोड़ मुझे, छोड़, राजा, चुप। बात क्या है चाचा? अरे चाचा वाचा छोड़ो, ये देखो खून, आज इसने फिर नंदू को मारा। देख विद्या, तू अपने इस गामिज भाई को सीधा कर दे। सीधा नहीं किया तो मैं इसके हाथ पैर तोड़ के रख दूंगा। हाँ, फिर मुझे दोष नहीं देना। नंदू ने मुझे धक्का मारा था दीदी। चुप। बिद्दी साहब दादागिरी करता है और ऊपर से झूठ बोलता है। देखो अपनी आंखों से देखो इसकी करतूत। दीदी, इसने मुझे पत्थर मारा था। अब जाइए चाचा, मैं सभी ठीक करती हूँ। चल चल इधर आ। अरे तू स्कूल गया था ना, पढ़ाई लिखाई छोड़कर बदमाशी करता रहता है। तू बदमाशी आवाज नहीं आएगा। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया था। अब मिलेगा ना नंदू, बताऊंगा बच्चों को। अच्छा, अब तू मेरे बस का नहीं रहा। आने दे बाबूजी को, मैं तेरी मरम्मत कराऊंगी। आने दो, क्या कर लेंगे बाबूजी? अच्छा बशीर भैया, सवाल। अच्छा चाचा, होमवर्क कर लिया? मेरी किताब क्यों काट डाली? मास्टर जी ने बोला था। क्या बोला था? कि मेरी किताब काट डाला? नहीं, बोला था कि शिवाजी और नेहरू जी की तस्वीरें चिपका कर लाना। होमवर्क दिया था। ये होमवर्क किया तूने? हाँ, क्या?
अरे कान क्यों खींच रही है इसका, क्या किया इसने? तू ही देखो ना बापू, इसने मेरी सारी किताबें फाड़ दी। पक्का बदमाश हो गया, आजकल मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनता। ओहो, अरे क्यों सताता रहता अपनी दीदी को? मैं सताता हूँ? उल्टा लोग मुझे सताते हैं। तुझे सताते हैं? बदमाश कहीं। अरे तू स्कूल क्यों नहीं गया अब तक? ये तो स्कूल गया था बाबूजी, असल में मैं नाश्ता देना भूल गई थी, इसे भूख लगी तो नाश्ता खाने चला आया। नहीं बाबूजी, दीदी झूठ बोलती है। चुप, तू चुप। मैं तो स्कूल जा रहा था, रास्ते में वो लंगड़दीन है ना, उसका लड़का मिल गया और मुझसे वो झगड़ा करने लग गया और लंगड़दीन मुझे खींच कर यहाँ ले आया। अब तुम ही बताओ बापू, मैं स्कूल कैसे जाता? अब मैं छोड़ के आऊँ तुम्हें स्कूल? तुम भी कुछ नहीं समझते बापू, जाते जाते छुट्टी की घंटी बज जाएगी, फिर जाकर क्या फायदा? तू बहुत बदमाश होता जा रहा है, कल से मैं तुझे स्कूल छोड़ के ही जाऊंगा, मेरी भी डे ड्यूटी शुरू हो रही है। ये क्या है बापू, तुमने कुछ खाया नहीं? बेटे वक्त ही नहीं मिला। तुम भी कम नहीं हो बापू, बहुत परेशान करते हो। बेटी भाई को माफ कर सकती हो, बापू को नहीं? देखा ना, मैं इतने प्यार से खाना बनाती हूँ और तुम लोग कुछ खाते नहीं हो। काका जी को उसे लंगड़दीन कह रहा था, तो किसी की नहीं सुना, ना तू अपनी बहन की सुनता है ना मेरी सुनता है, बस आज जाइए। ओहो, तेरे तो खेल ही खत्म नहीं होते, उठा लट्टू रख अपनी जेब में और देख यहाँ से सीधा स्कूल जा, रास्ते में कोई शरारत नहीं। बापू आपने मुझे बदमाश समझ रखा है? नहीं बदमाश नहीं, बदमाशों का गुरु जरूर समझ रखा। चल भाग सीधे स्कूल। अरे बहुत मस्ती करता है रे, अभी छोड़ के आया। राम राम कहते हैं। राम राम। 10 पैसे का सवाल है, जो देगा उसका भी भला, जो नहीं देगा उसका भी भला। 3 दिन से भूखा हूँ, सेठ सेठ 3 दिन से भूखा हूँ, 10 पैसे सेठ 3 दिन से भूखा हूँ, सेठ जो देगा उसका भी भला, जो नहीं देगा उसका भी भला। सेठ सेठ 10 पैसे का सवाल है, सेठ 3 दिन से भूखा हूँ, सेठ जो देगा उसका भी भला, जो नहीं देगा उसका भी भला। सेठ तुम 10 पैसा दोगे, ऊपर वाला 10 लाख देगा। सेठ आओ तुम लोगों को ऐश करवाता हूँ। ऐश? और नहीं तो क्या, राजा का माल है। तुम भी क्या याद करोगे, किसी रईस से पाला पड़ा था और तुम लोगों को आटा टाने वाली आइसक्रीम खिलाता हूँ। लेकिन तुमने तो इतने पैसे जीते भी नहीं थे। 5 पैसे की कमी नहीं है प्यारे, मेहनत से कमाया। कमाया है तुमने? और नहीं तो क्या, भिखारी बनके लोगों के जेब से पैसे निकाले हैं। ना बाबा ना, तब तो हम कुछ भी नहीं खाएंगे, हम भीख के पैसे का माल नहीं खाएंगे। हम नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे। बड़े धर्मात्मा बनते हो। नहीं हम तो समझे थे तुम्हारी दीदी ने दिए होंगे। दीदी तो सिर्फ 10 पैसा देती है, उसमें अपना खर्चा कैसे चलेगा। आ भैया जी, सब लोगों को आटा टाने वाली आइसक्रीम खिलाओ। भीख मांगता है, जुआ खेलता है। नहीं चल आ। बदमाश कहीं था। बोल दीदी, जुआ खेलेगा, भीख मांगेगा? दीदी चुप, जान किसी ने लगा तूने मुझे दीदी कहा? भाई होता तो ऐसा करता? कल मैंने तुझे छोड़ दिया था। चुप। दीदी मुझे माफ कर दो, माफ नहीं करूंगा। जुआ खेलता है, भिखारी बन के भीख मांगता है। अरे बेशरम, बड़ा होकर तू क्या बनेगा, भिखारी जुआरी लवंगा बदमाश। गलती हो गई दीदी, इस बार माफ कर दो। तूने कभी सोचा है तेरे लिए मेरे दिल में क्या अरमान है? बाबू क्या चाहता है तुझे बनाना, और तू? माँ, माँ, राजू अब मेरे बस का नहीं रहा माँ, मैं अब उसे संभाल नहीं पाऊंगी माँ। माँ तुम्हें बताओ मैं अब क्या करूँ माँ, क्या करूँ? बेटे कुछ चिट्ठी तो नहीं आई थी मेरी? कौन है जो हमें चिट्ठी लिखेगा, किसकी चिट्ठी का इंतजार है तुम्हें? मेरे मामा को चिट्ठी लिखी थी बंबई तेरे लिए। मेरे लिए? हाँ तेरे लिए। तेरी माँ जिंदा होती ना तो अब तक तेरे हाथ पीले कर दिए होते। सोच रहा हूँ कोई अच्छा सा लड़का मिले
तो तेरा ब्याह करके मैं फारिग हो जाऊं। तुम यह सारा दिन काम करते रहते हो कि ये सब बातें सोचते रहते हो, मैं तुम्हारे लिए बोझ बन गई हूँ क्या? दाद पगली, ऐसी बातें करते हैं क्या? तुम भी तब तक ये सब बातें नहीं करना जब तक राजा किसी लायक नहीं बन जाता। माँ की आत्मा को तभी तो शांति मिलेगी। तेरी माँ की आत्मा तो तुझे लाखों आशीष देती होगी बेटे। अपना सुख भूल के तो हमेशा अपने भाई का सुख सोचती रहती है। भगवान तुझे हमेशा सुखी रखे बेटे, हमेशा सुखी रखे। गर्मियों की छुट्टी में पढ़ाई तो होती नहीं, फिर फीस किस बात की? तीन तीन महीने की, गेम्स की अलग और वो बिल्डिंग का फंड भी अलग। साइलेंस साइलेंस। देखो अपनी अपनी किताबें निकाल कर पाठ याद करो। हाँ, और रोल नंबर के मुताबिक एक एक करके आते जाओ और फीस देते जाओ। 3 महीने की फीस प्लस गेम्स फी प्लस लाइब्रेरी फी। सर। फीस के टाइम पर तुम्हें हमेशा ये लगता है। ठीक है जाओ। हाँ यस, नंबर 1 अनवर हुसैन, नंबर 2 अशोक, नंबर 3 अजय, नंबर 4 अनिल, नंबर 5 विजय नारायण, चंद्रमोहन आ गए आप। आइए आइए, इधर भी आपका नंबर आ गया। लाइए लाइए फीस लाइए। लाता हूँ सर। पर्स क्या हुआ? क्या हुआ? अभी अभी मैंने बस्ते में पर्स रखा था, नहीं है। क्या हो रहा है सर? किसी ने मेरा पर्स चुरा लिया सर, उसमें मेरी सारी फीस थी सर। देखो देखो वही होगा, चुरा कौन लेगा। अभी अभी मैंने बस्ते में रखा था, बस्ते में नहीं है सर, देखिए। नहीं है, क्लास में चोरी, मेरी क्लास में चोरी। ये हिम्मत किसने की? जिसने भी चंद्रमोहन का पर्स चुराया है वो ईमानदारी से अपना हाथ उठा दे। चलो चलो चलो। पर्स कहाँ है? मैंने नहीं चुराया सर, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता सर। बस्ता दिखाओ, बस्ता दिखाओ। सर ये है मेरा पर्स। नहीं सर, ये मेरा पर्स है सर, ये मेरा पर्स। बच्चे ये मेरा पर्स है सर। चलो मास्टर साहब, चलो मेरा पर्स। चलो तुम भी आओ। सर मुझे माफ कर दो सर, सर ऐसी गलती नहीं होती सर, मुझे माफ कर दो सर। राजा ने और यही पर्स इसके पास था, इसे स्कूल से निकाल देना चाहिए। जी हाँ, मेरा भी यही ख्याल है। चपरासी। जी सर। इसके बाप को बुलाओ। बहुत अच्छा। अरे भाई काम का नुकसान हो रहा है, शाम तक जरूर भेज देना। चाचा आपको हेडमास्टर जी ने बुलाया। मुझे? जी। क्यों? पता नहीं। अच्छा चलो। नमस्ते हेडमास्टर साहब, आपने मुझे याद किया, कोई खास बात है? खास ही बात है राम प्रसाद जी, अगर ये आप जैसे भले आदमी का बेटा न होता तो मैंने इसे पुलिस में दे दिया होता। पुलिस में? क्या किया इसने बताइए ना हेडमास्टर साहब। इसने चोरी की है। चोरी? ये क्या कह रहे हैं आप? मैं सही कह रहा हूँ, इसने अपने साथी का पर्स चुराया। हेडमास्टर साहब ये शरारती जरूर है, मगर मेरा बेटा चोरी नहीं कर सकता। पूछिए इससे, आप खुद पूछ लीजिए। क्यों बेटे, तूने चोरी की? सच सच बोल, बोल ना, बोल बेटे, देख बोल, सच सच बोल, बोल ना, चोरी की तूने? जी। डर ना बेटे, बोल। बाबू जी मैंने। हाँ, बोल, घबरा नहीं बेटे। बाबू जी मैंने चोरी, बोल जी मैंने चोरी। क्या? मुझे मारिए बापू, मुझे सजा दीजिए,
बापू 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 राम राम चाचा ऐसी बात है राम प्रसाद जी अगर ये आप जैसे भले आदमी का बेटा न होता तो मैंने इसे पुलिस में दे दिया होता इसने चोरी की है मैं सही कह रहा हूं इसने अपने साथी का पर्स चुराया ऐसी बात है राम प्रसाद जी अगर ये आप जैसे भले आदमी का बेटा न होता तो मैंने इसे पुलिस में दे दिया होता इसने चोरी की है मैं सही कह रहा हूं इसने अपने साथी का पर्स चुराया पूछिए इससे आप खुद पूछ लीजिए तुमने बच्चों को अनाथ छोड़ गए चाचा बेटी चाचा हमें छोड़ गए भगवान मुझे हमेशा खुश रखे यही कहते थे ना बापू आंखें खोल कर देखो मैं कितनी खुश हूँ बापू कितनी खुश हूँ नहीं बापू नहीं नहीं ये तुमने क्या किया बापू ये तुमने क्या किया अब मुझे कौन माफ करेगा बापू कौन माफ करेगा बापू एक बार आगे कर दो और कर दो तुमने मुझे माफ कर दिया बापू उठो बापू राजू राजू बेटे नहीं नहीं बेटे नहीं बापू तुमने मुझे माफी मांगने का मौका ही नहीं दिया ना बापू बापू मैं कभी चोरी नहीं करूंगा मैं कभी भीख नहीं मांगूंगा मैं कभी कोई गलत काम नहीं करूंगा बापू तुम्हारी कसम बापू तुम्हारी कसम बाकी तेरा क्या बापूजी भी लौट कर नहीं आएंगे नीरजू वहां से कोई लौट कर नहीं आता कोई नहीं लौटता भगवान के पास रहते हैं हाँ बाल बापूजी दोनों भगवान के पास हैं फिर भगवान हमें अपने पास क्यों नहीं बुला लेता ऐसी बातें नहीं करते राजू अब तो तुझे बहुत बड़ा बनना है मेरे से बाप मेरा कौन है कौन मुझे देखेगा रे पागल हाँ विद्या आओ चाचा बेटी ये खाना लाया हूं खा ले बड़े बाबू ने मकान के बारे में कुछ बताया हाँ चाचा उन्होंने कहा विद्या हम मजबूर हैं मकान छोड़ना पड़ेगा तब तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी इसके बारे में कुछ सोचा है तुमने राजू को लेकर मामा के पास बंबई चली जाऊंगी इसकी सेवा चारा भी क्या है वहां शायद मुझे कोई काम धाम मिल जाए जैसे तैसे राजू को पढ़ा भी पाऊंगी राजा बड़ा होता तो इसे चाचा की जगह मिल जाती नहीं चाचा नहीं मैं भूखी मर जाऊंगी लेकिन राजू को कभी उस हथियारी जगह पे नहीं भेजूंगी कभी नहीं
बंबई जाने का कुछ तय किया? हाँ, बापू के नाम का ये दिया जला है चाचा, बस ये दिया जब बुझ जाएगा मैं समझूंगी यहाँ से मेरा सारा संबंध खत्म हो गया, इसके बाद अंधेरा ही अंधेरा है। अरे विद्या बेटी, नहीं बेटी मत रहे। पानी पीने जाऊं? नल तो बहुत दूर है राजा। दीदी बहुत प्यास लगी है, जल्दी आना। अच्छा तुमने पागलपन किया, ट्रेन की चेन खींच लेनी थी, तुम तो कूद पड़ी। अगर तुम्हारी जान को कुछ हो जाता तो क्या होता? कुछ समझ में नहीं आया, अब मैं क्या करूं? अच्छा घबराने की कोई बात नहीं, मैं दादा फोन किए देता हूँ, वहां का स्टेशन मास्टर बच्चे को उतार लेगा। हेलो दादा स्टेशन, छोकरा कितने साल का? 8-9 साल का। अच्छा अपन ढूंढता है इधर। ओके चला से इधर आओ। हाँ साहब। टर्टेन अप आ गया? हाँ साहब आ गया। देखो उसमें एक 8-9 साल का छोकरा होगा, उसे ढूंढ कर ले आओ, पुलिस का मदद ले लो। अच्छा साहब। टिकट प्लीज। स्टेशन मास्टर का रूम कहाँ है? ऊपर है। सुनिए मेरे भाई का कुछ पता चला? कल्याण से तुम्हारे वास्ते फोन आया होता? हाँ। गाड़ी तो आया, अपना खलासी पूरी गाड़ी तलाश किया, पर उसमें तो कोई छोकरा नहीं मिला। नहीं मिला? अब मैं क्या करूं? बेटी किसे पूछ रही है? अपनी मामा को, करमचंद जी को। ऊपर देखो कहाँ चले गए? उन्हें गए तो एक महीना हो गया, रिटायर हो गए। रिटायर हो गए कैसे चले गए? हाँ बेटी पता नहीं अपने गांव गए या अपने बड़े लड़के के पास कलकत्ता गए हैं। हाँ भगवान अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? क्या बात है बेटी, बड़ी परेशान हो? आओ हमारे घर चलो। हाँ बेटी आओ ना आओ। घबरा मत बेटी, मुझे बता क्या बात है। लो क्या बताओ, कैसे बताओ, सब मेरी किस्मत का दोष है,
मामा के पास सहारे के लिए आ रही थी। साथ में छोटा भाई था। टनल स्टेशन पर मैं उससे बिछर गई। जाता रही पर उसका कुछ पता नहीं चला। ना जाने वो कहाँ खो गया। अब क्या होगा? कल्याण स्टेशन पे भाई खो गया था? नहीं, वो गाड़ी में चढ़ गया। तब तो तुम्हारा भाई बॉम्बे पहुंच गया होगा। घबराओ मत, आ जाएगा। कैसे आएगा? वो तो बहुत छोटा है और फिर यहाँ का पता भी उसे नहीं मालूम। तू चल के पुलिस को खबर कर देते हैं। यहाँ की पुलिस बहुत अच्छी है। हौसला रखो, तुम्हारा भाई जरूर मिल जाएगा। उम्र 8 साल, पद 3 फीट 6 इंच, रंग सांवला। कहाँ गुम हुआ था? कल्याण स्टेशन। लड़के का नाम? राजा। राजा, मैं आपके आगे हाथ छोड़ता हूँ। मेरी दीदी खो गई है, मुझे छोड़ दो। अबे दीदी के बच्चे, इन सब को देख रहा है तू? अब यही तेरे दोस्त, तेरे रिश्तेदार, तेरे घर वाले, कल से इन्हीं लोगों के साथ तुझे भीख मांगने जाना होगा। भीख? बहुत खूब। साले ऐसे बोलता जैसे जानता नहीं कि भीख क्या होती है। अपन का चूना लगाता है, कहता है भीख। तुम्हारी कसम बाबू, कभी भीख नहीं मांगूंगा, चोरी नहीं करूंगा, कभी कोई गलत काम नहीं करूंगा। मैं अच्छा बनूंगा बापू, तुम्हारी कसम बापू, तुम्हारी कसम। मैं भीख नहीं मांगूंगा। हराम ज़्यादा उल्लू का पट्टा, तेरा सारा खानदान भीख मांगेगा, समझा? भीख। कुछ पता चला? कुछ भी नहीं। बेटी, तुम्हारा राजा बहुत छोटा है। इस शहर में आकर तो बड़े बड़े खुल जाते हैं। भगवान पे भरोसा रखो, एक न एक दिन तुम्हारा राजा तुम्हें जरूर मिलेगा। उसी पर तो भरोसा है चाची, लेकिन जब तक मेरा राजा नहीं मिल जाता मैं बम्बई नहीं छोड़ सकती। आप पर मैं कब तक बोझ बनी रहूंगी? अरे इसमें बोझ की क्या बात है बेटी, तेरे मामा करमचंद के हम पर बहुत उपकार है। वो तो ठीक है चाची, लेकिन मैं सोचती हूँ अगर कहीं मुझे काम मिल जाता तो अच्छा रहता। ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ, लेकिन घर का सारा काम आता है। हाँ, ये तो हो सकता है। शांता भाई, ओ शांता भाई, क्या है? अरे जरा इधर तो आ। हाँ बोल, क्या है? अरे एक दिन तूने कहा था ना एक सेठ के घर में नौकरानी की जरूरत है। हाँ बहुत दिन पहले कहा था। अरे जरा पता कर ना, अपनी लड़की बिचारी को भला हो जाएगा। अच्छा तू कल चलना मेरे साथ, बहुत भले आदमी है, अगर तेरा काम बन गया तो बहुत आराम से रहेगी। अच्छा काउंट कीजिए, काउंट। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 100। साहब नमस्ते। नमस्ते। आपका काम करके आई हूँ साहब। आपने कहा था ना माँ जी की देखभाल के लिए और घर के काम काज के लिए एक लड़की चाहिए, इसे लाई हूँ। नमस्ते। क्या नाम है तुम्हारा? जी विद्या। क्या क्या काम कर रही थी? घर का सारा काम कर सकती हूँ माँ जी। अच्छे घर की लड़की है माँ जी, थोड़ा पढ़ी लिखी भी है, मुसीबत की मारी है बेचारी। देखो बेटी, हम नौकर को नौकर नहीं समझते, इसीलिए तो यहाँ कोई टिकता नहीं। ओहो, तुम घर के मामले में दखल मत दिया करो। अच्छी है, सुशील है। आना घर के मामले में दखल मत दिया करो। ओह आई एम सॉरी। शांता बाई लाई है तो ठीक ही होगी। अच्छा बेटी तुम यही रहो और आज से काम शुरू। माँ जी बहुत बहुत धन्यवाद। विद्या मैं चलती हूँ, मिलती रहना। अच्छा यहाँ काम ही क्या है? हम कुल 3 तो हैं, 2 हम और एक हमारा बेटा। बस हमारे बेटे की एक जरूरत का ख्याल रखना, वो हमेशा गर्म खाना पसंद करता है। जी माँ जी। बस इतना है, कभी कभी रात को देर से, कभी कभी नहीं रोज देर से आता है। फिर तुमने दखल दिया। हाँ हाँ उसे तुम बदनाम करते हो। सुबह से दफ्तर में जाके सारा काम देखता है, आधी रात तक मेहनत करता है। काम देखता है, मेहनत करता है, मुझे मालूम है दफ्तर में क्या करता है। हम तुमसे प्यार करते हैं स्वीटहार्ट। और डिक्टेशन? हाँ हम डिक्टेशन नहीं करते, हम सिर्फ
प्यार करते हैं। मगर ये पेपर बहुत अर्जेंट है। इनसे भी ज्यादा अर्जेंट चीजें हमारा इंतजार कर रही है। ओ बाप रे, इंतजार। आरती मेरा इंतजार करी होगी। अच्छा स्वीटहार्ट, मैं चलता हूँ। ये पेपर तुम देखो। ओह, सी यू टुमारो।
पूछूं? तुमने शादी के बारे में कुछ तय नहीं किया? शादी? शादी, मैं भी कितना बेवकूफ हूँ। तुमसे रोज शादी करता हूँ और रोज भूल जाता हूँ कि तुमसे शादी करनी है, और तुम रोज कहती हो शादी शादी। कम ऑन डार्लिंग, आज तो तुमसे शादी करनी ही पड़ेगी। माफ कीजिएगा, लगता मैं गलत घर आ गया। सॉरी, वेरी सॉरी। मेरा घर शायद बाजू में। नहीं साहब, ये आपका ही घर है। हाँ? मेरा? तो फिर तुम कौन हो? जी जी, मैं इस घर की नई नौकरानी हूँ। नौकरानी, बहुत खूब। नौकरानी और इतनी खूबसूरत। खाना गरम कर दो। कमाल है, खाना गरम और बिस्तर ठंडा, कमाल है। तुम्हारा लाडला तो अभी तक सो रहा होगा। तुम्हें तो रात भर नींद नहीं आती, सुबह से उठकर बैठ जाते हो। वो बच्चा है, अभी तक सो रहा है तो क्या हुआ है? तो नहीं लाया था क्या? नहीं तो क्यों? मालूम नहीं तुम्हारे साहबजादे ने इसे केस के कागज पहुंचाए हैं या नहीं। अरे नहीं भी पहुंचाए तो क्या हुआ, तुम तो उसके पीछे ही पड़े रहते हो। सुनील को फोन कर देना, वो किसी को भेज कर मंगवा लेगा, बात खत्म। जगन, फोन लाओ। आया जी। वर्मा कौन? अंकल आप? जी नहीं तो आना सके कि आज ही भेज दे। जी हाँ, केस तो देख लिया, लेकिन डॉक्यूमेंट्स देखने बहुत जरूरी है। सो रहा है। अच्छा, मैं अपना असिस्टेंट भेजता हूँ। आंटी कैसी हैं? ओके। रात को दरवाजा तुम्हीं ने खोला था? जी हाँ, मैं कल ही आई हूँ, मैं नौकरानी हूँ। नौकरानी? Then I'm a bloody fool. रात को तो आपने अपना घर ही नहीं पहचाना था। रात को हमने कुछ भी नहीं पहचाना। जी, आपको और कुछ चाहिए? चाहिए तो बहुत कुछ। कुछ चाहिए हो तो बता दीजिएगा। शराब।
हेलो हेलो डार्लिंग, कमाल है, मैं जब भी घर आता हूँ दरवाजा तुम खोलती हो, बेल भी नहीं बजानी पड़ती। इसमें कमाल की क्या बात है, कार की आवाज से तो मालूम हो जाता है कि तुम आ गए हो। क्या बात है, बीवी हो तो ऐसी हो। क्या बोलो? हाँ जी। और भोलू, हाँ जी, अगर मेरी कार में कोई दूसरा आदमी आए अभी मैं वैसे दरवाजा खोलेंगे? हाँ जी। तो बड़ा लफड़ा हो जाएगा। हाँ जी। क्या खाक हाँ जी, जब देखो हाँ जी हाँ जी, कुछ सोचता समझता भी है कि नहीं? जा खाना लगा दे। नहीं जी। क्या? हाँ जी। सचमुच में कितना खुश नसीब हूँ। चलिए चलिए, आपको तो हर वक्त शरारती ही सूझती है। हाँ जी। भगवान ने क्या बनाया? इंसान। और उस इंसान को इस दुनिया ने क्या बनाया? गरीब। और आपने क्या किया? गरीब को जीना सिखाया। गरीब को जीना सिखा दिया। कुछ समझे राजा साहब? मैं भीख नहीं मांगूंगा। अरे पागल, भीख मांगना भी एक धंधा है। धंधा? मैं ये धंधा नहीं करूंगा। हमारे धंधे में अंधे भिखारी ज्यादा चलते हैं। मान जा। नहीं। मैं कहता हूँ मान जा। नहीं। नहीं
कमाल कर दिया राजा, माला माल कर दिया। मंगू चाचा जा यार, आज तो तेरा दिन है, जा ऐश कर। मजा आया। मंगू चाचा मैं चला, मैं कहता था ना मैं भीख नहीं मांगूंगा, मैं चला। अरे अरे बासुन, अरे बासुन, राजा राजा, अरे बासुन, अरे राजा राजा, अरे मंगू दादा मारेगा राजा, रुक जाओ राजा, अरे राजा राजा बासुन राजा, रुक रुक राजा। सुनो, माजी नहीं है? सर जी, माजी चश्मा बनवाने गई। ओ, देखो, एक कप कॉफी ला दो। अभी लाएंगे। दूध के बगैर? जी। तो क्या हुआ? अपनी घर का रास्ता भूल जाएंगे। रास्ते को छोड़ो मेरी जान, एक बार तुम हमें अच्छी तरह जान लोगी तो जिंदगी भर नहीं भूल पाओगी। क्या? देखो, तुम हमें कुछ कर दो, हम तुम्हें कुछ कर देंगे। बोलो कितना चाहिए? 1000-2000? सोच के जवाब दीजिए बाबूजी। आपने मुझे समझा क्या है? बिगाड़ बिकाओ, मैं माजी से कह दूंगी मैं इस घर में काम नहीं करूंगी। खूब, बहुत खूब, मेरा अंदाजा सही निकला। तुम वैसी हो जैसे मैंने सोचा था। जी, मेरा मतलब है कि मैं तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था। इम्तिहान? और क्या, दरअसल बात यह है विद्या कि आजकल ज्यादातर जवान और खूबसूरत नौकरानियां गलत निकलती हैं। उनकी जिंदगी का मकसद यही होता है कि कैसे किसी पैसे वाले को फांसे। लेकिन लेकिन तुम तो पवित्र हो, साफ हो, अब यह घर तुम्हारा है, फिक्र की कोई बात नहीं। मैं तो डरी गई थी। आपका आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबूजी। क्यों बेटा, तुम भूल गया? तुम रहे शादीशुदा और मैं बैचलर, कुछ तो फर्क होना चाहिए। अरे तुम जैसे बैचलर होंगे तो फर्क तो होना ही चाहिए। एक स्विम हो जाए? नहीं यार, एक दिन के लिए काफी एक्सरसाइज हो गई। हाय रीटा। हाय। और एक ड्रिंक हो जाए? नहीं, सिवा के लिए। ओ, मैं तो भूल ही गया था, तुम तो भाभी के साथ आए होगे। काश मैं भी किसी को भाभी कह सकता। अगर तुम्हें एतराज ना हो तो तुमको भाभी कह दूं? ओह नो, नेवर, नो भाभी बिजनेस, दिस इज मिस रीटा। रीटा, रीटा। अरे यार, तुम कब तक इन चक्रों में पड़े रहोगे? मुश्किल तो यह है यार के
ये चक्कर अब मुझे नहीं छोड़ते। आनंद अब तुम शादी कर लो। क्या शादी कर लूं? पागल तो नहीं हो गया? यू लुक आफ्टर भाभी, मैं चला। रीटा कोई गलत काम नहीं करूंगा, मैं अच्छा बनूंगा बापू, तुम्हारी कसम बापू, तुम्हारी कसम। ये लो। क्या? हाँ। भाजी मंगता? नहीं, तुम्हारे ठेले से चुराई थी, बहुत भूख लगी थी। कोई बात नहीं, खा ले बेटा। नहीं, भूख के मारे चोरी तो कर ली, लेकिन चोरी की रोटी खाई नहीं जाती। ले बेटा, अब तो मैं दे रहा हूँ, अब तो खा ले। नहीं नहीं, नहीं। मैं भीख नहीं लूंगा। ले बेटा, अरे ले ना। मैं भीख नहीं लूंगा। अजीब छोकरा है, क्या मंगता साहब आपको? रगड़ा देना। चाचा जी, पानी मिलेगा? हाँ हाँ मिलेगा बेटा, पानी मिलेगा, ले पी। पकड़, मैं अभी आता। सेठ जी, गाड़ी का चाबी। चाबी? जी हाँ। अंदर जाके दे, हम बस से जाएगा। लेकिन सेठ जी, कभी कभी गाड़ी चला लिया कीजिए, नहीं तो इंजन जाम हो जाएगा। पता है पेट्रोल का क्या भाव है? इसमें पेट्रोल डलवाएगा तो हमारा जेब जाम हो जाएगा। पर सेठ जी, मेरी 2 महीने की पगार। हद तेरे की, पूरा दिन खोटा कर दिया पैसे मांग के। ये लो, आइंदा से सुबह सुबह कभी पैसा मत मांगना। मगर सेठ जी, ये तो 10 रुपए हैं, मेरे तो 2 महीने के 40 रुपए होते हैं। सब मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। जानते हो 10 रुपए में कंपनी का 1 शेयर आता है, खरीद लोगे तो लखपति बन जाओगे मेरी तरह। शाबाश। कंजूस मक्खी चूस कहीं का, घर में गाड़ी खड़ी है और खुद बस में जाता है। किसके यहाँ काम करते हो बेटे? किसी के यहाँ भी नहीं। भूखा है? अरे सवेरे सवेरे तूने बगैर कुछ खाए पिए इतना पानी पी लिया। ले, ये ले, जा जा के कुछ खा ले। नहीं नहीं, भूख तो लगी है, लेकिन ये रुपए नहीं लूंगा। दे सकते हो तो कुछ काम दे दो। अरे क्या काम करोगे बेटा? तुम्हारी तरह कोई गाड़ी धोने का काम नहीं मिलेगा? पर गाड़ी धोना बच्चों का काम नहीं है बेटा। मैं बच्चा थोड़ी हूँ, देखो मैं तो तुम्हारे बराबर का हूँ। अरे तू तो बिल्कुल मेरे बराबर है बेटा, अगर तेरी तरह थोड़े बच्चे और हो जाए तो ये दुनिया कितनी खूबसूरत हो जाए। मैं तुझे काम बताता हूँ, चल चला मेरे साथ चल। ये ले कपड़ा, वो मंदिर के पास चला जा, वहां गाड़ियों को साफ करना है। गाड़ी साफ करने के बाद सैल्यूट मारना, फिर तुझे 2 रुपए मिलेंगे, तेरा काम बन जाएगा। चल ये ले जा। विद्या तुम भी खाना खा लो। खाती हूँ। मैं चलता हूँ। अच्छा। माय भूख लगी है माई, एक रोटी दे दो माई, बहुत भूख लगी है, भगवान के नाम पे एक रोटी दे दो माई। एक रोटी दे दो माई। माई भूख लगी है, एक रोटी दे दो माई, भगवान के नाम पे एक रोटी दे दो माई, बहुत भूख लगी है माई, एक रोटी दे दे माई। माई 2 दिन से भूखा हूँ माई, एक रोटी दे दे माई। 2 दिन से भूखा हूँ माई, कुछ भी नहीं खाया है माई, एक रोटी दे दो माई। कहाँ भटक रहा होगा, इसी तरह वो भी भूखा होगा। 2 दिन से भूखा हूँ माई,
माई एक रोटी दे दो, भूख लगी है, भगवान के नाम पे एक रोटी दे दो माई। सब कुछ दिया है प्रभु, इतना अच्छा पति, घर बार, लेकिन सब सुना है, तुम्हारे आशीर्वाद से क्या नहीं हो सकता। इस घर को परिवार बना दो प्रभु, इस घर को परिवार बना दो। नहीं छोकरा, किसने बोला गाड़ी साफ करने को? हाँ तुमको, ये बोला। सेठ, तुम काय को बोला? गाड़ी तुम्हारा होता क्या? नहीं तो क्या तुम्हारी होती है? ये हमारी धर्मपत्नी है, हम बात नहीं कर रहे तो क्या तुम करेगा? कमाल का आदमी है साहब, मैं अपनी धर्मपत्नी से बात कर रहा हूँ, बीच में आके कूद पड़ा। क्या हुआ भाई, क्या हुआ? अरे होना जाना क्या जी, दिमाग फिरा आदमी है, आज आप भगवान ऐसे बहुत देखे। ए किसको हाथ लगाता है? ओपड़ी ठीक कर दूंगा सारा मर्दूत। मगर मेरा माथा खराब है, आज भगवान क्या मरवाएगी मेरे को? तूने मुझे गाली दी साला महमूद, कहा तू जानता नहीं मैं महमूद अली थाने वाला हूँ? देख अभी इधर ड्यूटी हमारा है, तुम कौन सा दूसरा थाने वाला आ गया है? 7 सालों को थाने में बंद कर दूंगा। बोलो बोलो, किसने झगड़ा शुरू किया? बोलो हवलदार साहब, सारा झगड़ा इसने शुरू किया। क्यों रे, क्या लफड़ा है? हवलदार साहब, हम गाड़ी साफ करते थे, ड्राइवर साहब बोला तुमको गाड़ी साफ करने को, किसने बोला? हम बोला हमारा पेट बोला, कुछ गलत बोला? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल सच्चा बोला। हवलदार साहब ये पेट बोला, हम समझा सेठ बोला। लो ये पेट बोला, इन्हें सेठ को पकड़ लिया, और जरा सी गलती हो गई साहब, मैंने गलती से इनकी धर्मपत्नी को मैंने पकड़ लिया। और मुझे गुस्सा आया, मैंने साला मर्दूत बोला, इसने साला मर्दूत बोला, मैंने समझा साला महमूद बोला, भाई इतना सा गलती हो गया। तुमने अपने को थाने वाला बोला, सारी गलती पेट की है हवलदार साहब। अरे तुम तो एकदम फिट बोला। अरे वाकई बाबा, सारा चक्कर ये पेट का है, अगर ये पेट ना होता तो आदमी गाय को लफड़ा करता। अच्छा अच्छा भाई, जाओ अपना अपना घर को जाओ। अच्छा, किसी को मंदिर में जाना है दर्शन को तो मंदिर में जा सकता है। आजा भगवान, दुकान खोली, माफ करना भाई, आज अभी से बहुत मेहनत करता है बाबा। ए ड्राइवर, ये बीच में गाड़ी क्या लगा रखा है? चलो साइड में लगाओ। क्या हुआ ड्राइवर? कुछ नहीं मैम साहब, इस लड़के के साथ जरा गलतफहमी हो गई। क्या करती हो? कुछ नहीं, गाड़ी साफ करता हूँ और सलाम करता हूँ। बड़े प्यारे बच्चे हो, ये लो। अच्छा वाजे, भगवान मुझे मेरी दीदी से मिला दे, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, बस मेरी दीदी ही चाहिए। लोग कहते हैं 125 चढ़ाने से मन्नत पूरी हो जाती है, मैं भी 125 चढ़ाऊंगा, मेरी भी मन्नत पूरी कर दो भगवान। देखो आज 1 ही रुपया है, 54 उधार। पंडित जी नमस्ते। साथ लो बेटा। नमस्ते जी। तेरा भाई तो ये सब है इंस्पेक्टर साहब, पर इनमें मेरा भाई नहीं है। कोई बात नहीं, जैसे ही कुछ और पता लग जाएगा हम आपको इतला दे देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। छोड़ो, थाली गिर जाएगी। गिर जाने दो। पर सुनो तो सही। मैं कुछ नहीं सुनूंगा। बोलू देख लेगा। हाँ जी। बोलू, तुम्हारी शादी को कितने साल हो गए? 5 ना? हाँ जी। और तुम्हारे बच्चे कितने हैं? मेरा ख्याल 4।
हाँ जी, नहीं जी, पांच। क्या पांच? हाँ जी। पर बोलू, पिछले 3 साल से तुम गांव नहीं गए, फिर ये बच्चे शायद भगवान की देन है। हाँ जी। बिल्कुल बुद्धू है। बुद्धू नहीं भोलेनाथ, कहता है बच्चे भगवान की देन है। नहीं साहब, हमने घरवाली को चिट्ठी लिखा था। ओ, चिट्ठी लिखा था। हाँ जी। हम भी चिट्ठी लिखे। हाँ जी। नहीं होगा होगा, मानो तुम अगर मेरा कहना, हम दोनों मिलके कागज पे दिल के चिट्ठी लिखेंगे, जवाब आएगा। हम दोनों मिलके कागज पे दिल के चिट्ठी लिखेंगे, जवाब आएगा। प्रसाद भी ले लो। क्या नाम है तुम्हारा? राजा। आज कोई शरारत तो नहीं की ना?
अब शरारत करने की उम्र ही कहाँ रही? कपूर वकील की बीवी बहुत हराम की कमाई है। ये माँ जी की पर्चे मुझे दे दो। अबे हट माँ जी के बच्चे। दे दो मुझे ये माँ जी की पर्चे। छोड़ मैं कह रहा हूँ छोड़। दे दो। अबे छोड़ छोड़ आराम से दे। मैं कह रहा हूँ छोड़। अबे छोड़ अरे छोड़ मैं कह रहा हूँ छोड़ दे। तो मार मार के कीमा बना दूँ। अबे छोड़ अरे छोड़ मैं कह रहा हूँ छोड़ दे। अरे छोड़ मेरी जान। अरे छोड़ छोड़ मारता कि नहीं मारता मारूंगा इस उल्टे हाथ का। ये तो क्या राजा तेरी तो ऐसी की तैसी। अबे छोड़ छोड़ दे मैं कह रहा हूँ तेरे को। मार साले। मेरी समझ में नहीं आता कि मंगलसूत्र पर्स में रखने की क्या जरूरत थी। कुंडा टूट गया था सोचा था बनवा लूंगी। कुंडा टूट गया था तो जौहरी घर में आ सकता था। मिला? हाँ जी। भगवान का लाख लाख शुक्र है मिल गया। अब तो खुश हो? गाड़ी में नहीं है मैम साहब। क्या? जी हाँ वहां नहीं है। मगर ये तो कह रहा था कि मिल गया। हाँ जी नहीं जी। हाँ जी हाँ जी जब देखो हाँ जी। अगली बार हाँ जी बोला तो उठा के बाहर फेंक दूंगा। साहब हमको लगता है मेम साहब का पर्स छोकरे ने ले लिया। मजे क्या हुआ? मजे आपका पर्स है? हाँ लेकिन तुम्हें कहाँ से मिला? वो गुंडा। अरे हाँ जी अरे ये तो हमारा कार्ड है। कितना ईमानदार है। लगता है मार्केट करके आया है। हाँ जी नहीं, नहीं। उस मवाली ने बहुत मारा तुझे। अपने को मारना आसान नहीं है साहब। फुटपाथ पर सोता है सड़क पर काम करता है तब तो मारपीट चलती ही रहती है। कोई नई बात नहीं है। तुम ये गाड़ियां साफ करते हो तुम्हारा पढ़ने को जी नहीं चाहता? पढ़ने को तो बहुत जी चाहता है लेकिन अपने को पढ़ने का टाइम ही नहीं है। अच्छा टाइम नहीं है। अपना धंधा बहुत फैल गया है। सुबह को मंदिर पर दोपहर को फोर्ट पर और शाम को मरीन ड्राइव पर। बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हो। दुनिया बहुत देखी है माँ जी। अच्छा माँ जी सलाम साहब। अरे सुनो तुम कहाँ जाओगे? अगर हम तुम्हें यहाँ रखें पढ़ाए लिखाए यहाँ रहोगे? हमको यहाँ पर रखकर पढ़ा लिखा कर क्या मिलेगा आपको साहब? जो हमको मिलेगा तुम नहीं समझोगे। तुम हमारे पास रहना। अच्छा अच्छी बात है। दिन भर अपना काम करके यहाँ पर आके सो जाऊंगा। वहाँ पर सोने की बहुत तकलीफ है साहब। ये गाड़ी भी फ्री साफ करूंगा। अच्छा अब तुम यहाँ रुको। अच्छा बोलो। हाँ बोलता क्यों नहीं? जब हाँ जी बोलने का वक्त होता तो हाँ जी बोलता नहीं है। हाँ जी जब हाँ जी मीटिंग में बहुत देर लगेगी। लग भी सकती है। सब चाय। ओ तो आप लाए हैं चाय। चाय बना दो। कितने चम्मच चीनी? कुछ हमें भी तो करने दीजिए। लाओ मैं बना दो। लो पेस्ट्री खाओ। नहीं शर्माओ मत खाओ ना। हम भोलू काका के साथ खाएंगे। ये भोलू को भी खिला देना। पहले हमारे साथ खाओ। लीजिए। थैंक यू। अच्छा मैं चलता हूँ। बाय 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 टाटा। अच्छा छोटे सरकार आपके लिए कितनी चीनी डालूं? माँ जी सीमा
गाड़ी की चाबी। मैं तो इतनी अच्छी जगह आ गया, पता नहीं दीदी कहाँ होगी। अर्गू जगत, तुमने छुट्टी ले ली क्या? हेलो, मैं सुनील बोल रहा हूँ, तुम घर पे हैं? नहीं जी, माजी बाबूजी दोनों पार्टी पे गए हैं। और छोटा सा? छोटा सा भी नहीं है। अच्छा, उनसे कहते ना कि मेरा फोन आया था। अच्छा जी। आओ मेरी जान, तुम्हारा ही इंतजार हो रहा था। मेरा? हाँ, बहुत तरसाया है तुमने बाबूजी। अरे घबरा मत, किसी को पता नहीं चलेगा, मैंने सब नौकरों को छुट्टी दे दी है। छोड़ दीजिए। कहाँ भागती हो? चल। नहीं, डरो मत। नहीं, डरो मत। छोड़ दीजिए। नहीं बाबूजी, छोड़ दीजिए। बाबूजी नहीं, नहीं बाबूजी। जैसे भी उसकी जान बचा लीजिए, खर्चे की परवाह मत कीजिए, जितना भी खर्चा होगा मैं देने के लिए तैयार हूँ। प्लीज डॉक्टर, सेव हर। प्लीज वेट आउटसाइड। चली गई, सारा घर खुला पड़ा है। मामी, जब मैं आया था ना, तब भी सारा घर खुला पड़ा था। ऐसे सारा घर खुला पड़ा था? बिल्कुल खुला पड़ा था। ये ऐसे कैसे सब कुछ खुला छोड़कर चले गए हैं? देखो ना मम्मी, कैसे लापरवाह लोग हैं। हाँ तो विद्या यहाँ नहीं आई थी? नहीं डैडी, ये बर्फ, पानी की बोतल, ये सब मैं खुद लेकर आया था।
यानी कि तुम ठीक जानते हो कि विद्या यहाँ नहीं आई थी? हाँ डैडी, बिल्कुल नहीं आई थी। ये क्या? क्या? कांच की चूड़ी। क्या कर रहे हो? बराबरी का लड़का है। मत जलन औलाद को बराबरी का हक नहीं होता। देखो कमरे की हालत, और ये देखो, कुछ समझी? इसने इज्जत औकात सब बर्बाद कर दिया। पियो और पियो गंदे नाली के कीड़े। चलो मेरे साथ। ठीक है, पियो और पियो। एक्सीडेंट जब हुआ उस वक्त गाड़ी की स्पीड क्या बहुत ज्यादा थी? आपको कुछ अंदाजा है? जी जी नहीं, गाड़ी की रफ्तार ज्यादा नहीं थी। तो फिर इतना सीरियस एक्सीडेंट कैसे हुआ? असल में मैं खुद होश में नहीं थी इंस्पेक्टर साहब। आप खुद होश में नहीं थी? जी, मेरे पीछे कुत्ता पड़ गया था। मैं उसे बचने के लिए खुद बेतहाशा सड़क पर भागी। मैंने कुछ देखा ही नहीं, क्या आ रहा है क्या नहीं। गलती मेरी थी इंस्पेक्टर साहब। यानी गाड़ी चलाने वाले का कोई कसूर नहीं था? जी नहीं, गाड़ी से मैं टकराई थी, गाड़ी मुझसे नहीं। आज जो है इतने ईमानदार चोट खाने वाले कहाँ मिलते हैं जो अपनी गलती पर औरों को बख्शते हैं। आपने तो उन साहब को एकदम बचा दिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हेलो, माफी मांगने से पहले ही आपने मुझे माफ कर दिया। जी, आप कौन हैं? मेरी ही गाड़ी से आपका एक्सीडेंट हुआ था, गाड़ी मैं ही चला रहा था। पर आपने इंस्पेक्टर को सच सच क्यों नहीं बताया? गलती तो मेरी थी। सारी गलती तो मेरी किस्मत की है बाबूजी। आप पर दोष लगाने से मुझे क्या मिलता था? और जब भाग्य में ठोकरें और चोटें लिखी है तो कोई क्या कर सकता है। आपने कितना सब्र है, सब कुछ अपने ऊपर लेकर आपने मुझे बरी कर दिया। सुनिए, आप अपने घर का पता बता दीजिए, मैं आपके घर वालों को खबर कर देता हूँ। घर तो खुश नसीबों का होता है बाबूजी, मेरा कोई घर नहीं। ऐसा मत कहिए। मैं सच कह रही हूँ बाबूजी। रोइए मत, प्लीज। अब मेरे लिए राय क्या है? सब कुछ खत्म हो गया, जो बचा था वो भी खो गया। मेरा कुछ नहीं है बाबूजी, मेरा कोई नहीं है। ऐसा मत कहिए बहन, मैं हूँ आपके लिए, मैं हूँ एक भाई की तरह। बाबूजी, बाबूजी नहीं, भाई। भाई साहब, भाई, भाई साहब। राजा तैयार हो गया क्या? चल जल्दी से नाश्ता कर ले। अरे अरे अरे, एक तो होगा तो खाते जा। ए, हाँ हाँ, अरे क्या हुआ बेटी, रो क्यों रहे हो? बताओ ना। दीदी की याद आई, वो मुझे खूब पढ़ाना चाहती थी, पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ा आदमी बनाना चाहती थी। अगर आज वो मुझे फिर से स्कूल जाते हुए देखती तो बहुत खुश होती। अरे जल्दी करो भाई, स्कूल ले जाना। अरे क्या हुआ तुझे? इसको अपनी दीदी की याद आ गई। ओहो, दीदी की याद आ गई? हाँ पापा, हा? आप इतने बड़े वकील हैं, क्या आप मेरी दीदी को नहीं ढूंढ सकते? जरूर ढूंढ सकते हैं, पर ऐसे नहीं। पहले हंसो, हंसो। ये, अरे बहुत अच्छे लग रहे थे, मैंने फोटो ले ली।
हाँ बैठ जाओ। वकील साहब जरा रुकिए 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 जरा, आप उधर ही जा रहे हैं ना, हम भी चले चलते हैं, टिंकू भी चला चलेगा, उसको स्कूल तक छोड़ देंगे। टिंकू जल्दी आ, अपनी गाड़ी ले जाने का क्या फायदा है, ठीक है मैं कहता हूँ बैठ जल्दी। थैंक यू माय डियर वकील साहब। बेगम सेठ, इतना माल बचा के क्या करोगे हा? वकील साहब अपनी चाची तीर्थ यात्रा से कब आ रही हैं? बस आती होंगी, क्यों? उन पर अपना हिसाब कुछ बाकी है, तीर्थ यात्रा जाते वक्त हमसे 5 रुपए रोकड़ा ले गई थी। वो आती है तो आप हिसाब उन्हीं के साथ कीजिएगा। एक दो दिन में आती होंगी वापस। हैं, पैसा कहाँ जाता है, आप जो हैं। चलो बेटा स्कूल जा, जा चलो चलो बापू। अरे बापू बापू की क्या रट लगा रखी है, स्कूल जा बेटा जा, 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 अच्छी पढ़ाई कर, अच्छी पढ़ाई कर, जा टाटा। भाभी आप? ये तुम्हारे लिए है। भैया नहीं आए? नहीं, वो शाम को आएंगे। भाभी मैं आप सबके एहसान कैसे चुका पाऊंगी? भाई बहन में एहसान नहीं होते पगली। ये साड़ी तुम्हारे भैया ने भेजी है। ये सब आप क्यों लाए? यही साड़ी पहन के तुम घर चलोगी? घर? सच सच में घर जाऊंगी? लेकिन कब? तुम्हारे भैया डॉक्टर से यही तय करके आ रहे हैं। ओह सचमुच मैं कितनी खुश नसीब हूँ, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी इस चोट के बाद मेरा नसीब इस तरह बदलेगा, मुझे एक भाई का घर मिलेगा। नसीब तो हमारे हैं जो हमें एक बहन मिल गई। नाव में रख दो। तुम्हारे भैया आते ही होंगे इसलिए मैं चलती हूँ, शाम को उन्हीं के साथ आऊंगी। अच्छा हेलो, आज हमारे मरीज की तबीयत कैसी है? डॉक्टर साहब कल मेरी पट्टी खुलेगी ना? हाँ, फिर आप घर जा सकेंगी। लगता है मिस्टर सुनील की पत्नी आपने कुछ तस्वीरें यहाँ भूल गई। तस्वीरें? हाँ, मिस्टर सुनील हैं, उनकी मिसेज हैं और शायद उनका लड़का है। लड़का ही होगा। मुझे दिखाइए। अभी आप कैसे देख सकेंगे? ओह, मैं तो भूल ही गई थी, मेरी पट्टी कल खुलेगी। और फिर आप सबको देख सकेंगे, अपने भैया को, अपनी भाभी को और उनके बेटे को। हाँ, कल मैं सबको देख पाऊंगी। डोंट बी सो एक्साइटेड। Nurse, can I see the chart, please? Yes, sir. जी, पट्टी खुलने के बाद आप सबसे पहले किसे देखना चाहेंगी? ये भी कोई पूछने की बात है डॉक्टर साहब। सबसे पहले मैं उस भैया और भाभी को देखना चाहूंगी जिनके घर में मैं रहने जा रही हूँ। बस एक सेकंड और। अभी आंखें मत खोलिए जब तक मैं ना कहूं। आंखें बंद रखिए। अब सबसे पहले आप उस परिवार को देखेंगी जिसे आप देखना चाह रही हैं। आप धीरे धीरे आंखें खोलिए, देखिए। डॉक्टर साहब मुझे कुछ
नहीं दिखा देते डॉक्टर साहब, मुझे कुछ नहीं दिखा देता। भैया मुझे कुछ नहीं नजर आ रहा है, भैया मैं अंधी हो गई। भैया मुझे कुछ नहीं नजर आ रहा है। मैंने आपसे कहा नहीं था, लेकिन मुझे शक था कि कहीं आंखों की रोशनी चली ना जाए। डॉक्टर साहब कुछ भी कीजिए, विद्या की आंखें वापस ला दीजिए, मेरा सब कुछ ले लीजिए, मुझे सिर्फ उसकी आंखें चाहिए। डॉक्टर साहब मैं आपकी भावनाओं को अच्छी तरह समझता हूँ मिस्टर सुनील, लेकिन डॉक्टर खुदा तो नहीं होता। विद्या जी की आंख का रेटिना डिटैच हो चुका है। अब क्या होगा डॉक्टर साहब, अगर विद्या को उसकी आंखें वापस न मिली तो मेरी आत्मा मुझे कभी माफ नहीं कर पाएगी। डॉक्टर साहब प्लीज कुछ भी करके विद्या की आंखें वापस ला दीजिए। तो अब कुछ भी नहीं हो सकता डॉक्टर साहब? फिलहाल तो नहीं, 6 महीने इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद ही दूसरा ऑपरेशन हो सकता है। शायद उस वक्त रोशनी वापस आ जाए। शायद नहीं डॉक्टर, यकीनन कहो यकीनन। मैं पूरी कोशिश करूंगा। डॉक्टर साहब हम विद्या जी को घर कब ले जा सकते हैं? कल सुबह ले जाइए, मैं उनके लिए दवाइयां और ट्रीटमेंट वगैरह लिख दूंगा और चार्ट भी बनवा दूंगा। एक्सक्यूज मी, मेरा एक ऑपरेशन है। तुम जो कुछ भी कर सकते थे सुनील तुमने किया, भगवान की मर्जी के सामने कुछ चलता है? हम कल ही विद्या को अपने घर ले चलेंगे और उसे अपने पास रखेंगे, फिर सब ठीक हो जाएगा। बोलो। हाँ जी। सब ठीक से सजा दिया ना? हाँ जी। जैसे मम्मी डैडी और उनकी दीदी आ जाए, झट से एक बड़ा सा गुब्बारा फोड़ देना, सब डर जाएंगे। आ गए। आ गए। मम्मी आ गए, डैडी आ गए, दीदी आ गए। अरे आप तो अपनी दीदी को लाने वाले थे ना, वो कहाँ है? कल आएगी बेटा। मम्मी कोई बात नहीं, कल मैं भी चलूंगा, कल मेरी हॉलीडे है। जरूर चलना। मम्मी चलो ना, जल्दी चलो। मम्मी यहाँ तो कोई भी नहीं है। शायद बाथरूम में हो, देखो तो। यहाँ भी कोई नहीं है? डॉक्टर साहब। यस। विद्या कहाँ है? वो आपके साथ नहीं गई? नहीं, मैं तो समझा था आप उसे ले गए होंगे, क्योंकि जब मैं सुबह ड्यूटी पे आया था तो तब भी यहाँ नहीं थी। क्या किया तुमने? मुझे इतना गैर समझा? नहीं नहीं भैया ऐसा मत कहो, मुझे यही ठीक लगा। भैया तुम तो मेरे लिए भगवान की तरह हो, गैर कैसे हो सकते हो? इसलिए इतने परायापन बढ़ता मुझसे? परायापन नहीं भैया, ये दो आंखें बीच में आ गई। तुम्हें बताओ भैया, भगवान की पूजा की जाती है ना, कोई अपने भगवान को तकलीफ पहुंचाता है क्या? बोलो। ये तुम कैसी बातें कर रही हो विद्या? मैं ठीक कह रही हूँ भैया, घर में जाकर रहती तो सबको कितनी तकलीफ होती। नहीं विद्या नहीं, ऐसी बात मत करो। सच्चाई को मंजूर किए बिना इतनी लंबी जिंदगी कैसे कटेगी? यहाँ रहकर मैं अपने अंधेरे के साथ धीरे धीरे जीना सीख लूंगी, अपने पैरों पर खड़ी हो सकूंगी। तो तुम मुझे बताकर तो आती। मैं जानती थी भैया तुम मुझे यहाँ आने नहीं देते। तुमने ये नहीं सोचा कि मुझ पर क्या बीतेगी? विद्या तुम नहीं जानती मैंने तुम्हें कहां कहां ढूंढा,
कुछ दिनों बाद मैं तुम्हें जरूर खबर करती भैया। लेकिन तुम यहाँ रहो ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मेरी नसीब में जो जो लिखा है उसे तुम कहाँ तक कब तक बर्दाश्त करोगे? मैं तुम पर बोझ बनना नहीं चाहती। कैसा बोझ जी, कैसी बातें कर रही हो तुम? एक अंधी जिंदगी का बोझ। तुम्हें मेरी कसम भैया, मुझे गलत मत समझना। मैं तुम्हें गलत नहीं समझूंगा विद्या, लेकिन जब तक तुम्हें इस अंधेरे से निकाल नहीं लूंगा चैन नहीं पाऊंगा, नहीं पाऊंगा। अरे सुनील, क्या बात है? Are you not well? कुछ ऐसा है यार, भीतर ही भीतर टूट गया और कांच की किर्च की तरह हर वक्त कसकता है। हुआ क्या है? एक हादसा हुआ था। हादसा? हाँ, कुछ दिन पहले तुम्हारे घर के सामने एक लड़की मेरी गाड़ी से टकरा गई थी। मेरे घर के सामने? हाँ, पानी की तरह पैसा बहाया लेकिन उस बेचारे की आंखें न वापस ला सका, वो अंधी हो गई। अंधी हो गई? ना मालूम है उसका। विद्या, गलती मेरी थी आनंद। समझ में नहीं आता उसकी दुनिया अंधेरी कर देने के इल्जाम से मेरी आत्मा कैसे मुक्त हो सकती है। मैंने बहुत चाहा कि वो मेरे पास रहे, वो इतनी खुददार है कि वो भी मंजूर नहीं करती है। समझ में नहीं आता कैसे शांति मिलेगी मुझे। विस्की। छोड़ दीजिए। नहीं बाबूजी, छोड़ दीजिए। बोलता क्यों नहीं? कौन? मैं। बाबूजी? बाबूजी नहीं विद्या, एक पापी जलील। कैसी बातें कर रहे हो बाबूजी? विद्या, विद्या मेरे गुनाह की तुम जो सजा दोगी उसे मैं सर झुकाकर मंजूर कर लूंगा। क्यों? क्या फिर से मेरी परीक्षा ले रहे हो बाबूजी? नहीं विद्या नहीं, तुम मेरे गुनाहों की सजा दे दो। तुम नहीं जानती कई रातों से तुम्हारी अंधेरी आंखें मेरा पीछा कर रही, इन सब का जिम्मेदार मैं हूं। मेरे पापों की सजा तुम भुगत रही हो। अगर तुम मुझे सजा दे दोगी तो मुझे शांति मिल जाएगी विद्या। बाबूजी,
मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी बदल सकते हो। आप पूरी तरह बदल पाए। इसमें अगर सजा ही मदद कर सकती है तो मैं आपको सजा दूंगी। ये मुझ पे बहुत बड़ा एहसान होगा विद्या। तो जाइए बाबूजी, मैंने आपको माफ किया। विद्या। हाँ, आपके लिए ही सजा है। किसी अच्छे लड़के से शादी करके अपनी जिंदगी सुधार लीजिए। ने मेरे साथ किया है। इस शराब ने मुझे शैतान से हैवान बना दिया। ओ मम्मी डैडी, पता नहीं अब इंसान बनने का कोई रास्ता है भी या नहीं। इंसान बनने के रास्ते हमेशा खुले होते हैं बेटा। ओ मम्मी, मैं शराब कभी नहीं पीऊंगा। मैं तुम दोनों की कसम खाता हूं, अगर मैंने इसे पिया तो मैं समझूंगा मैं तुम दोनों का खून पी रहा हूं। मुझे माफ कर दीजिए डैडी, मुझे माफ कर दीजिए। बेटे, अगर नई जिंदगी शुरू करनी है तो आओ हमारे साथ खाना खाओ। हाँ।
बुआ जी। नमस्ते बोलू। जीते रहो बेटा। आ गए बुआ। हाँ, सदा सुहागन रहो बेटी। बहुत दिन लगा दिया आपने। हाँ, तीरथ की महिमा ही कुछ और है। लौटने को मन ही नहीं करता था, फिर सोचा तुम लोग याद कर रहे होंगे। हाँ जी। आप अंदर चलिए, बोलू सामान ले आएगा। आओ बेटे। अभी अभी दो बच्चे बाहर गए हैं, एक तो भीकम का है, ये दूसरा किसका है? अपने घर का ही समझिए। हाँ, मैं तो 6 महीने के लिए तीर्थ यात्रा गई थी, ये 8 साल का पला पलाया बच्चा घर में कैसे आ गया? अवतार लिया है क्या? हाँ जी। कहीं से उठा लाई होगी, बोलती क्यों नहीं? अरे बुआ, पहले अंदर तो चलो। हाँ, चलो 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 चलो। मुझे पहले ही मालूम था, एक ना एक दिन बहू यही करने वाली है, मेरे जाते ही उठा लाई कहीं से जात को जात का। ऐसा करना चाहिए था क्या? हाँ जी। इन लड़कों का क्या, जिस घर में खाएंगे उसी में सेन लगाएंगे, भुख तो मुझे क्या। अरे चाची, तुम आ गई, आवाज सुनी तो चला आया। हमारा चारों धामों का प्रसाद लाना भूल तो नहीं गई? याद है तीर्थ जाते वक्त पूरे 5 रुपए रोकड़े दिए थे? हाँ, सवा सवा रुपए के 4 चढ़ावे दिए थे ना। हाँ 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 हाँ। चढ़ा आई, प्रसाद लाई। हे भगवान, प्रसाद। ये बद्रीनाथ का। बद्रीनाथ का? ये काशी विश्वनाथ का। काशी विश्वनाथ, वाह भगवान। ये मथुरा वृंदावन का। मथुरा वृंदावन। ये तो सिर्फ 4.25 रुपए का हिसाब हुआ जगन्नाथपुरी का प्रसाद। ओहो, जगन्नाथपुरी तो मैं जाना ही भूल गई। तो फिर आपके पास 1.25 रुपया बचा होगा ना, वो मुझे दे दीजिए, मेरा नुकसान क्यों करती हो? हाँ। दे दूंगी दे दूंगी। हाँ। 1.25 रुपए में तो तेरे प्राण अटके हुए हैं। चाची, ये तो रोकड़े का सवाल है, लक्ष्मी माता, रोकड़ा ही कर्म है, रोकड़ा ही धर्म है। क्या रोकड़ा छाती पर धर के ले जाएगा? हाँ जी। आजा जल्दी, आजा जल्दी, रसीद जल्दी, आ जाओ, आजा आजा, चलो छुप जाओ, चलो छुप जाओ। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, अरे बुआ गई, अरे बुआ गई, बुआ गई। राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अरे बुआ, अरे राम, अरे मर गई, ओ मेरी कमर की हड्डी टूट गई। हे बहू, अरे बोलू। हाँ जी। अरे तू, तेरा सदा ना जा, तेरी तो मैं खोपड़ी तोड़ दूंगी, तेरी तो मैं खोपड़ी तोड़ दूंगी, तेरी हड्डी तोड़ कर दूंगी। अरे अरे अरे, क्या हुआ? बुआ मुझे मारती है। अरे इसने तो मेरी मौत का सामान तैयार कर दिया था, वो तो भगवान की दया से मैं बच गई। राजू, तुमने बुआ को कराने के लिए सब कुछ किया था? सच बोल रहे हो, इसलिए छोड़ रहा हूँ। चलो आगे से नहीं करना। अरे वाह, आगे से नहीं करना। अरे मैं तो मरते मरते बच गई। अरे वो बच्चे हैं। अरे वाह, चलो, चलो चलो, क्या चलो। बच्चे हैं, अरे वाह रे बच्चे। सुनो बेटा, सुनील साहब घर में हैं? हाँ पापा, गार्डन में बैठे हैं। ये तुम पापा कब से बन गए? अरे आनंद, तुम आओ बैठो, राजू को गोद ले लिया है हमने। ये तुम सुबह सुबह कैसे आ गए? ये खुशखबरी लाऊं तुम्हारे लिए, पेपर बड़ा आज का। बस पढ़ी रहा हूँ। कुछ विदेशी डॉक्टर ने दलाया है देश में, सभी आंखों के डॉक्टर हैं। मैंने उनसे विद्या के लिए बात भी की और अपॉइंटमेंट भी ले ली है। मैं चाहता हूँ कि तुम आज दोपहर को विद्या को वहां ले जाओ और विद्या से कहना कि तुम खुद क्यों नहीं जाते। मैं कहूंगा तो नहीं मानेगी। अच्छी बात है, मैं चला जाता हूं। थैंक यू। Thank you.
May I have the report, please? Yes, sir. Doctor? There is hope. When will you operate? After 3 months when I return from Madras. Thank you, Doctor. Thank you. Vidya? Huh? Doctor ne kaha tumhari aankhein wapas aa jayengi. Sach bhaiya, sach? Haan. Wo 3 mahine ke liye Madras ja rahe hain. Lautte hi tumhara operation karenge. Bas. Phir uske paas zindagi mein ujala hi ujala hoga. आनंद आया माँ तुम्हारी चाय बेटा है तुम्हारी चाय थैंक यू मम्मी बेटा एक बात कहूँ माँ देखो तो सब कुछ ठीक हो गया है तुम ठीक हो गए ये घर ठीक हो गया बस एक चीज की कमी है कमी हाँ बेटा एक बहू की शादी तो मैं कर लूंगा लेकिन जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ शायद तुम उसे स्वीकार नहीं कर सकोगी क्यों नहीं कर सकूंगी तुझे पसंद है ना तो मुझे भी पसंद है बेटा जल्दी सुसी ले आओ और ये कमी भी पूरी कर दू मां ए लड़की प्यार करेगी तू मेरा इतबार करेगी ए लड़की प्यार करेगी तू मेरा इतबार करेगी सपने होते हैं सपने ये सच है इकरार पर
सोचे मैं तो हाँ कहूंगा। नहीं है तेरा प्यार ही मुझको खींच के लाया है। मैं क्या कह सकती हूँ, सब कुछ है किस्मत के हाथों में। दिल की बात जुबान पे आ जाएगी बातों बातों में। तू बातें तो चार करेगी। ए लड़की प्यार करेगी, ए लड़की प्यार करेगी, तू मेरा इतबार करेगी। बिन देखे बिन सोचे मैं तो हाँ करूंगी। विद्या जी आप, आज तुमसे एक जरूरी बात करने चला आया। मुझसे? हाँ विद्या, एक दिन तुमने कहा था ना मैं किसी अच्छी लड़की से शादी कर लूं, अपनी जिंदगी सुधार लूं। जी तो विद्या तुम ही सुधार दो ना मेरी जिंदगी। जवाब दो विद्या। इस दया की क्या जरूरत है बाबूजी? ये दया नहीं, प्यार है विद्या। मुझे तुम्हारे प्यार की जरूरत है विद्या। मुझे तुम्हारी माफी नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए विद्या। एक बार, सिर्फ एक बार हाँ कर दो। नहीं, ये नहीं हो सकता बाबूजी। समझ गया विद्या, इसका मतलब है तुमने मुझे अब तक माफ नहीं किया। नहीं नहीं, माफ तो मैंने सचमुच कर दिया है, लेकिन लेकिन ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? आप मुझसे शादी करके अपने माँ बाप को क्यों सजा देना चाहते हैं? प्यार बहुत बड़ी सौगात है बाबूजी, जो आप मेरे लिए लाए हैं। पर मैं इतनी स्वार्थी नहीं कि सबके अरमानों को, सबकी खुशियों को सिर्फ अपने लिए अंधेरे में झोंक दूँ। ऐसा मत कहो विद्या, ऐसा मत कहो। बाबूजी आप उस वक्त भी अंधे थे जब आप हैवान बने थे, और इस वक्त भी अंधे हो जब आप इंसान बन गए हो। अंधा प्यार बहुत बड़ी अमानत होती है बाबूजी, लेकिन लेकिन क्या विद्या? मैं उसी प्यार का वास्ता दे रहा हूँ तुम्हें। मैंने कहा ना बाबूजी, अंधा प्यार बहुत बड़ी अमानत होती है, लेकिन एक अंधी लड़की के साथ जिंदगी निभाना आसान नहीं। मैं निभा के दिखाऊंगा, मुझे एक मौका तो दो। मैं आपकी भी जिंदगी बर्बाद कर दूं बाबूजी? मैं शादी नहीं करूंगी बाबूजी, कभी नहीं करूंगी। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। अरे बहू जरा गंगा जल के शीशी लाना। जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। अरे बहू सुनील तैयार हुआ कि नहीं? सबके प्राणपति। किस विद मिलू दयामयी, किस विद मिलू गोस्वामी, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। अरे बहू मुझे एक ग्लास दूध तो दे दो, सुबह से कुछ खाया नहीं है। गाओ। जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो, आरती तो खत्म हो गई।
वहीं बैठा रहे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। अरे भाई चलो जल्दी, आरती खत्म हो रही है। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करें, ओम जय जगदीश हरे। हरे ओम कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण। ले ले दादी, वो दादी मैं खेलने के लिए ले जाऊं? खेलने के लिए? अरे असली सोने की है 25 तोले की, खेलने के लिए ले जाऊं? चल हट यहां से, हट। हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अब आए हो? अरे भगवान का नाम नहीं लोगे तो बच्चे कैसे होंगे? अरे भुआ, जब तुम भगवान के इतने करीब हो तो हमको पूजा करने की क्या जरूरत है? अरे बेटा, मैं पूजा तुम्हारे लिए ही तो करती हूँ, मेरा क्या है, आज मरे कल दूसरा दिन। हाँ जी। मेरी बेटी, मेरी मुन्नी, ये क्या कर लिया तूने? मामा मामा आप कहाँ चले गए थे? मामा इतने दिन आप कहाँ थे? मैं तो आज ही कलकत्ते से आया हूँ बेटी, अपनी पेंशन लेने। गंगूबाई ने सब हाल बताया तो मैं दौड़कर तुम्हारे पास आया। आप मिल गए होते मामा तो हमारी ये दुर्घटना होती, शायद बिछड़ा हुआ भाई भी मिल जाता। अरे मैं होता तो तुम्हें ये तकलीफ ही क्यों होती? यही भाग्य में लिखा था मामा, बाबू हमें छोड़ के चले गए। मुंबई छोड़ के चले गए और मुन्ना मुन्ना यहाँ के खो गया मामा। लेकिन उसके खोने की खबर पुलिस को दी थी? हाँ, कल्याण से लेकर यहाँ तक सब थानों में रिपोर्ट लिखवाई थी, पर कुछ पता नहीं चला। राम जाने वो बम्बई में है या नहीं। विद्या। हाँ। तुमने पहले क्यों नहीं बताया तुम्हारा भाई खो गया? तुम्हें क्या बताती भैया, पहले तुम्हारे इतने एहसान है मुझे। तुमने उसे खोजा? हाँ, जब तक आंखें थी उसे ढूंढते रहे, जब आंखें नहीं रही तो राजा को कहाँ से ढूंढती। क्या नाम है तुम्हारे भाई का? राजा। राजा? कितना बड़ा है वो? 8 साल का। 8 साल का? हाँ। और उसने खाकी पैंट और सफेद कमीज पहनी थी? हाँ, आपको कैसे मालूम? विद्या। हाँ? चलो मैं तुम्हें तुम्हारे भाई से मिला दूँ। राजा से? हाँ। सच? हाँ। कहाँ है वो? चलो चलो। चोर, बता कहाँ है मेरे भगवान की मूर्ति? मुझे नहीं मालूम बुआ, मैंने नहीं ली, मुझे कुछ नहीं पता। मैं कुछ नहीं सुनूंगी, चल मार मार कर हड्डी चूर कर दूंगी, कहीं से भी ला दे मेरी मूरत, नहीं तो घर में नहीं घुसने दूंगी। चोर डाकू कहीं का। अब मैं क्या करूं? बोलू मेरे 25 तोले की भगवान जी। नहीं माँ जी, उसने चोरी नहीं की होगी माँ जी, वो चोर नहीं है। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? हाँ जी। हाँ जी? नहीं जी। राजा राजा, लो तुम्हारी किताबें आ गई। ओ, मेरे 25 तोले के बाल किशन जी, मेरे 25 तोले के भगवान, राजा चुरा कर ले गया। नहीं नहीं, राजा ऐसा नहीं कर सकता, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। अरे वाह, चुराता नहीं तो लेने क्यों जाता? लेने गया है? हाँ, जब मैंने डांटा डपटा और 2 तमाचे लगाए तो कहने लगा बुआ जी ला कर देता हूँ ला कर देता हूँ। मैंने कहा जब तक नहीं लाएगा घर में नहीं घुसने दूंगी। हाँ। आप सीधा सीधा क्यों नहीं कहती कि आपने उस पर इल्जाम लगाकर उसे घर से बाहर निकाल दिया? ये क्या कह रहे हो बहू? राजू, और राजू देखो तुम्हारी दीदी आई है। राजा को बुआ ने घर से बाहर निकाल दिया? क्या? अरे तौबा करो बहू, क्यों मुझ पर इल्जाम लगा रही हो? वो खुद 25 तोले की मूर्ति चुरा कर भाग गया। नहीं नहीं, मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता। उस नादान पे इल्जाम लगाते तुम्हें शर्म नहीं आती बुआ? वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। ये लो जबान क्या खोली, इल्जाम लगा दिया। चुप रहो, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं तुम्हें। सड़क के छोकरे पर इतना भरोसा हो गया, ना जाने कहाँ से उठा कर ले आए चोरू चक्के को। सुनिए, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन चोर नहीं मामा। हाँ? चची चलो। विद्या। नहीं भैया, मुझे जाने दीजिए। नहीं विद्या, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। राजू जरूर कहीं पड़ोस में छुपा होगा, मैं उसे भी लेकर आता हूँ, तुम फिक्र मत करो। सीमा तुम उसका ख्याल रखना। Thank you.
मर्जी तूने चुराई है, ला मुझे दे दे। टिंकू अच्छी है, बहुत अच्छी। ये सोने की मूर्ति मेरी है, मुझे दे दो। चल राजा भेड़े, चल साथ चल। छोड़ो मुझे, गाड़ी की सैर करवाते हैं। छोड़ो मुझे, 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 ये रही सोने की मूर्ति और राजा। राजा आराम ज़्यादा। अच्छी है, चुरा के लाया क्या? दे दो मुझे, बुआ की है। बुआ का बच्चा, हमसे भागता तोड़ दो टांगे साले की। Yeah!
आजा ऊपर बैठे, आजा जल्दी। राजा मिला? नहीं। माँ, माँ, मैंने चोरी नहीं की थी, मैंने चुराई नहीं थी। राजा, राजा, ये लीजिए। राजा, भैया। दीदी राजा तू है ना दीदी राजू दीदी राजू दीदी चोरी कहाँ चली गई थी दीदी तू कहाँ चली गई थी दीदी कहाँ चली गई थी दीदी तुम्हें राजा कहाँ मिला? बस इत्तेफाकी समझो। बाबूजी, पापा, आनंद अंकल ने ही तो मेरी जान बचाई। गुंडे मुझे उठा कर ले गए थे और छोड़ते ही नहीं थे। आनंद अंकल ने उनकी वो पिटाई की जिंदगी भर याद रखेंगे। ये लो भुआ, तुम्हारे 25 तोले के भगवान जी। खामखा उस बेचारे को चोर बना दिया था। चुराई नहीं थी तो लाई कहां से? नालायक,
मार मार कर भुत्ता बना दूंगा। ए, ए, वकील बाबू, चाची जी, चोर है ये। इस जैसा नालायक बेटा पैदा करने के लिए मेरे सर पर 100 जूते मारिए और एक गिनिए। हाँ जी, हाँ जी, ये जूता मेरा नहीं है। बताओ सबको, मूर्त मैंने चुराई थी, मतलब है तुमने चुराई थी। जाओ माफी मांग, पांव पर जाओ, जाओ। देखो दीदी, मैंने कसम खाई थी ना, मैं चोरी नहीं करूंगा। मैंने चोरी नहीं की थी। हाँ राजा, आनंद तुम कहाँ जा रहे हो? बस जा रहा हूं। तुमको और भाभी को अपना बेटा मिल गया, बुआ जी को अपनी मूर्त मिल गई और राजा को अपनी खोई बहन। अब मेरा यहाँ क्या काम? विद्या, मैं जा रहा हूं। सुनी, एक अंधी से शादी करेंगे। इसका मतलब है विद्या फिर से देख सकेगी। श्योर, व्हाई नॉट। थैंक यू डॉक्टर, एनी टाइम। थैंक यू। ऐसी ही और सदाबहार फिल्में और गाने देखने के लिए आज ही डाउनलोड करें शिमारू मी और सब्सक्राइब करें क्लासिक पैक।